वेलकम बैक दोस्तों। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही चार टेस्ट मैचों की धुआंधार सीरीज के तीन मुकाबले हो गए हैं। अब चौथा टेस्ट होना बाकी है। आज मैं आपको चौथे टेस्ट की दोनों टीमों की प्रिडिक्टेड 11 बताऊंगा। वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना। सटीक अंदाज में बताऊंगा कि कौन कौन खेल रहा है चौथा टेस्ट। साथियों, चौथा टेस्ट भारतीय समय के हिसाब से मोटेरा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 4 मार्च से 8 मार्च तक सुबह 9:30 बजे से होगा। बहुत ही शानदार मैच ये होने वाला है और इस वीडियो में हम चौथे मुकाबले से जुड़ी सारी अपडेट आपको देने वाले हैं। तो भाइयों, ये जो चौथा टेस्ट मैच होने वाला है, ये भारत के लिए अभी भी करो या मरो वाला मैच रहने वाला है। अगर इस मैच में भारतीय टीम हार जाती है तो भारतीय टीम को बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभी चल रही है, इसके फाइनल में एक तरफ न्यूजीलैंड अभी क्वालिफाई कर चुकी है, दूसरी तरफ भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मुकाबला एक तरह से सेमीफाइनल के रूप में होने वाला है। पिछले टेस्ट में इंग्लैंड की हार के बाद इंग्लैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पूरी तरह बाहर हो चुका है। लेकिन अगर चौथे टेस्ट में भारत को इंग्लैंड अगर हरा देती है तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अगर इंडियन टीम इंग्लैंड को हरा देती है तो इंडियन टीम सीरीज पर हक जमाते हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से भारतीय टीम के लिए मुकाबला जरूरी होने वाला है। सबसे पहले हम आप बात कर लेते हैं दोनों ही टीम के प्लेइंग 11 के बारे में। तो हम आपको बता दें, भारत की तरफ से जो प्लेइंग 11 है वो इस प्रकार है। साथियों, यहाँ पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा खेल सकते हैं। चौथे नंबर पर कप्तान विराट कोहली। पाँचवें नंबर पर अजिंक्य रहाणे। और छठवें नंबर पर यहाँ ऋषभ पंत खेल सकते हैं, जो कि विकेट कीपर का रोल निभाएंगे। सातवें नंबर पर अक्षर पटेल को टीम इंडिया खिला सकती है। आठवें नंबर पर रविचंद्रन अश्विन। नौवें नंबर पर, साथियों मेरे ख्याल से 99% वॉशिंगटन सुंदर ही खेलेंगे, क्योंकि उनका पिछला रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। दसवें नंबर पर ईशान शर्मा और ग्यारहवें नंबर पर उमेश यादव या मोहम्मद सिराज में से कोई भी एक खेल सकता है। इन दोनों खिलाड़ियों में से मोहम्मद सिराज के 100% चांसेस खेलने के हैं, ये मेरा मानना है। साथियों, अब मैं आपको इंग्लैंड की टीम की प्लेइंग 11 बता देता हूँ। साथियों, यहाँ पर ओपनिंग कर सकते हैं डॉम सिबले और जैक क्राउली। तीसरे नंबर पर जॉनी बेयरस्टो खेल सकते हैं। चौथे नंबर पर जो रूट कैप्टन हैं, जो कि वो खेल सकते हैं। पाँचवें नंबर पर बेन स्टॉक्स की संभावना है। छठवें नंबर पर ओली पॉप और सातवें नंबर पर बेन फॉक्स विकेटकीपर हैं, जो कि आठवें नंबर पर डॉम बेस और नौवें नंबर पर जैक लीच। दसवें नंबर पर स्टुअर्ट ब्रॉड और 11 नंबर पर जेम्स एंडरसन खेल सकते हैं। तो साथियों, स्पोर्ट्स से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। फॉर मोर वीडियोस स्टे कनेक्टेड।